अब इस रेखा के ऊपर एक वक्र रेखा खींचेंगे, ये इस रेखा से जितना ऊपर जा रही है उतना ही नीचे जाती हुई एक रेखा और खींचते हैं। इस प्रकार इन कोणों को हम गोल कर देते हैं। शेष कोणों को तथा इस रेखा को हम इरेज कर देते हैं। प्लेट की मोटाई दिखाने के लिए इसके अंदर अंदर देखिए एक रेखा और खींच लेते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच का गैप बार बार बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसकी गहराई बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे। इसकी तली भी बना लेते हैं इसी समय। अब देखिए प्लेट की गहराई दिखाने के लिए इसके अंदर अंदर एक रेखा और खींच लेते हैं। इसके बाद देखिए प्लेट बन जाने के बाद इसमें कप बनाते हैं। बीचों बीच एक हल्की सी रेखा खींच लेते हैं ताकि हमारा चित्र टेढ़ा ना होने पाए। सबसे पहले कप की तली बना लेते हैं। इन रेखाओं को भी इरेज कर देते हैं। आप देखिए बच्चों कप का मुख बनाने के लिए एक सीधी रेखा खींच कर देख लेते हैं। दोनों सिरों की लंबाई बराबर है, कम ज्यादा तो नहीं है। इसके बाद देखिए इस रेखा के ऊपर जाती हुई एक रेखा खींचते हैं। उतना ही नीचे आती हुई दूसरी रेखा खींचते हैं। ये कोने नुकीले न होने पाए, गोल ही रहने चाहिए। कप की मोटाई दिखाने के लिए इसके अंदर अंदर एक रेखा और खींचते हैं। बीच वाली सीधी रेखा को इरेज कर देते हैं। अब देखिए सभी रेखाओं को गाढ़ी कर लेते हैं। उससे पहले एक हैंडल इधर लगा देते हैं। इस रेखा को भी यहां पर मिटा देते हैं। अब चित्र को एक बार गाढ़ा कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम छाया प्रकाश दिखाएंगे। इन कोनों को देखिए हम हल्का हल्का गोल कर देते हैं। इस प्रकार देखिए बच्चों कप प्लेट का चित्र बनकर तैयार हो गया। इसमें छाया प्रकाश दिखाते हैं। एक तरफ से मान लेते हैं लाइट पड़ रही है तो दूसरी तरफ छाया पड़ेगी। अंदर की ओर इधर लाइट पड़ेगी, इधर छाया दिखेगी। तो आइए इस तरफ काला करते हैं।
किनारे की ओर ज्यादा काला, जैसे जैसे बीच की ओर आएंगे कालापन कम। अंदर इस ओर ज्यादा काला, अंदर इसी प्रकार देखिए यहां पर छाया, इस हिस्से में ज्यादा काला क्योंकि यह हिस्सा गहरा है। तली में भी छाया, इस प्रकार देखिए बच्चों कप प्लेट का चित्र बनकर तैयार हो गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया